हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है 7th क्लास की, उसको आज आपको हम समझाएंगे। 7th क्लास की 7 क्वांटिटी, इन दिस कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ, इसमें रेशियो फाइंड करना है और रेशियो फाइंड करना है हमें। थर्ड पार्ट ये दिया है, 5 रुपीज टू 50 पैसे। फर्स्ट पार्ट दिया, इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया है 5 रुपीज टू 50 पैसे, ये दिया है। इसका सॉल्व करेंगे, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो बोथ क्वांटिटी जो हमें फाइंड करना है, क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। बोथ क्वांटिटीज शुड बी इन सेम, शुड बी इन सेम यूनिट। इसकी यूनिट होगी क्या होगी, सेम यूनिट होगी। फाइंड द रेशियो बोथ क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट। इसमें हमें सॉल्व करेंगे, सो दैट 5 रुपीज टू 50 पैसे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। अच्छा, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 5 × 100 पैसे = 50 पैसे, ये हो जाएगा 500 पैसे = 250 पैसे। सो दैट इन दिस रेशियो, रेशियो इज इक्वल टू होगा 500 पैसे / 50 पैसे। सेट रिपीट कर देता हूं, सो दिस रिपीट इन क्वेश्चन। हमें क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ, ए पार्ट दिया है 5 रुपीज टू 50 रुपीज पैसे, बी पार्ट दिया है 15 kg to 210 ग्राम, सी पार्ट दिया है 9 मीटर to 27 मीटर एंड 30 days to 36 hours। सो दैट इन सॉल्यूशन, फाइंड द रेशियो बोथ क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट। इन सबकी सेम यूनिट लेंगे और हम सब सेम यूनिट लेकर ही इस रेशियो इज फाइंड इन सेम यूनिट इन दिस क्वेश्चन इज सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? सो दैट 5 रुपीज टू 50 पैसे, फाइव इसलिए 1 रुपीज = 100 पैसे, सो दिस इंप्लाइज 5 × 100 + 250 पैसे, 500 पैसे = 50 पैसे, रेशियो इज इक्वल टू 50 = 500 पैसे / 50 पैसे। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ जब 50/5 = 10/1, सो दैट हो जाएगा 10:1, दैट इज आंसर। यही हमारा आंसर होगा, रेशियो क्या होगा इसका आंसर, 10:1, that is answer। Next part देखिए, part number B।
दिया है, बी को हम फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी क्या दिया है? पार्ट नंबर बी दिया है आपको बी पार्ट ए सॉ। बी पार्ट सॉल्यूशन करेंगे इसका, बी पार्ट दिया है आपको, कोई लेंगे हम फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो बोथ बोथ, फाइंड द रेशियो बोथ क्वांटिटीज, फाइंड द रेशियो बोथ क्वांटिटीज। सेम सेम यूनिट, जो हम क्वांटिटीज हैं उनकी सेम यूनिट लेंगे, और जब सेम यूनिट होगी तो हमारा क्या होगा, रेशियो फाइंड होगा, रेशियो फाइंड होगा सेम यूनिट। सो दैट बी पार्ट है आपका 50 kg टू 210 grams, 10 ग्राम ये केजी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 kg होता है 1000 ग्राम। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, और जब 1000 ग्राम होता है इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 kg 50 × 1000 ग्राम 1000 ग्राम टू 210 ग्राम 210 ग्राम। सो दैट रेशियो इज फाइंड, रेशियो इज इक्वल टू जो होगा आपका 50000 ग्राम 50000 ग्राम टू 210 ग्राम 210 ग्राम। सो दैट रेशियो 50000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से हुआ 5 बार, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 पार्ट्स पार्ट आ गया, 3 5 50, 0 0 अपॉन 7 अपॉन इसको डिवाइड किया 3 से 7 बार जाएगा। ओके ये होगा आपका इक्वल टू 507। दिस इज आंसर, ये हमें रेशियो फाइंड करना था, सो दैट इज आंसर, यही आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट हमने फाइंड किया 15 kg टू 210 ग्राम्स 210 ग्राम्स में, सो दैट बी पार्ट हो गया, वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है तो 15 × 1000 ग्राम 15 × 1000 ग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, ये भी ग्राम यूनिट है और ये भी ग्राम यूनिट है। जब सेम यूनिट हो तो उसका रेशियो फाइंड किया जा सकता है, बट रेशियो वन बस में मल्टीप्लाई किया थाउजेंड का 15000 ग्राम टू 210 ग्राम तो 15000 अपॉन 210 ग्राम इस 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से डिवाइड किया 5 बार, 500 अपॉन 7 इसका रेशियो क्या होगा, 500:7 दैट इज आंसर। ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सी देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड है सी पार्ट, तो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो
क्वांटिटीज फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट या वी हमारी सेम यूनिट होंगे और जब सेम यूनिट होंगे तो इसका रेशियो फाइंड किया जा सकता है. दिस इज रेशियो 9 मीटर्स टू 27 मीटर्स ए सॉल्व स्पार्ट नंबर सी. सी को जब सॉल्व किया जाए तो 9 मीटर टू 27 मीटर 9 मीटर इज 27 मीटर्स. ओके ये सेंटीमीटर है सॉरी सेंटीमीटर होगा ये सेंटीमीटर 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर. वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 मीटर इसका जो होता है 100 सेंटीमीटर. क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. जब 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं. 9 मल्टीप्लाई 100 टू 27 सेंटीमीटर. सो इज रेशियो स्पैन रेशियो इक्वल टू ये होगा 900 टू 27 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा. जब इसकी सेम हो सेम क्या हो जाएगी क्वांटिटीज इसकी यूनिट कैसी है सेम है सेंटीमीटर में है इसकी भी सेंटीमीटर में है. जब सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर हो तो इसका रेशियो क्या होगा 900 अपॉन 27 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में. सो दैट्स ऑल 900 सेंटीमीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर. 3 से डिवाइड किया तो 3 जा 9 अपॉन 3 ना जा 27 फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 300 और 3 से 9 को डिवाइड किया 3. ये रेशियो क्या होगा 100 रेशियो 3. दैट इज आंसर. पार्ट नंबर 3 का हमारा आंसर क्या आया है आंसर आया हमारा 100 रेशियो 3. पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. पार्ट नंबर 4 देखिए क्या है. पार्ट नंबर 4 को इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे. देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या करना है 30 डेज इसका करना है सॉल्यूशन. फाइंड द रेशियो क्वांटिटीज should be in same unit. क्या होनी चाहिए रेशियो के लिए इसकी क्वांटिटी इसकी सेम यूनिट होगी. जब सेम यूनिट होगी तो रेशियो फाइंड होगा. दैट इज सॉल्विंग पार्ट नंबर डी 30 डेज एंड टू 36 आवर. We know that हम जानते हैं कि one days is equal to 24 hours. So 24 hours
डे में 24 आवर्स होते हैं, इसको सॉल्व किया 30 डेज मल्टीप्लाई 24 आवर्स, 24 आवर्स टू 36 आवर रेशियो इज इक्वल टू, इसका सब मल्टीप्लाई किया 0720 आवर टू 36 आवर, ये वाला रेशियो आपका सेव 720 आवर अपॉन 36 आवर, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे इसको, इसको करिए 3 से डिवाइड करिए या 4 से डिवाइड करिए, इसे हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 4 3 4 8 32 0 5 4 6 7 9 9 4 36, उसको 9 से डिवाइड किया, ये होगा 20/1, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 20:1, इसका रेशियो होगा 20:1, दैट इज आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वांटिटीज होती है जो कंपेयरिंग करते हैं कि जब इनका रेशियो किया जाता है, रेशियो बांट करना होता है, तो इसकी यूनिट कैसी होती है, सेम क्वांटिटीज की होनी चाहिए, सेम यूनिट होगी जब भी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इन्हें कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर टू इन्हें कंप्यूटर कंप्यूटर लैब, कोई कंप्यूटर लैब है, देयर आर थ्री कंप्यूटर फॉर एवरी सिक्स स्टूडेंट और सर पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी Computer will be needed for 24 students. हमें दिया है इन ए कंप्यूटर लैब, कोई कंप्यूटर लैब है हमारी, उस कंप्यूटर लैब में देयर आर थ्री कंप्यूटर्स फॉर एवरी सिक्स स्टूडेंट, जो सिक्स स्टूडेंट है उनके लिए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए थ्री कंप्यूटर रखे, सिक्स स्टूडेंट है कंप्यूटर कितने रखे हैं, थ्री कंप्यूटर रखे हैं, हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंटों के लिए कंप्यूटर कितने चाहिए, सो दैट सॉल्व करेंगे इसे, थ्री कंप्यूटर्स कितने स्टूडेंट, सिक्स स्टूडेंट, तो
1 student is equal to 1 is student के लिए क्या होगा? 1 student के लिए क्या होगा? 3y 6 computer होगा और उसमें 24 student के लिए 3 upon 6 multiply 24 इस 6 का इसमें divide किया है 24 में कितनी है होगा ये होगा 3 multiply 4 तो क्या हो जाएगा और 24 student इस पर तो 12 का सूत्र 24 स्टूडेंटों के लिए कितने का सूत्र चाहिए 12 स्टूडेंट 12 का सूत्र चाहिए इज नीडेड आवश्यक इज नीडेड टू कंप्यूटर कितने कंप्यूटर आवश्यकता है हमें 12 कंप्यूटर की आवश्यकता